एक बार मुल्ला नासिरुद्दीन तीर्थयात्रा पर जा रहा था बेचारा, तुम्हारे साथ जा रहा था, इसके साथ जा रास्ता में गधा पर जा रहा था। बूढ़ा आदमी था, 60 वर्ष का, हमरे से दाढ़ी बाल पका हुआ था, रास्ते में रुक गया। शरीर लंबा था, उस शरीर का भी गुडविल मिलता है ना, लंबा चौड़ा यदि शरीर है, गोरा शरीर है, लंबी लंबी दाढ़ी है, उतने बाबा सिद्ध होगा। बक्सर में भी एक सेठ था, लंबा चौड़ा लाल वस्त्र पहन कर चलता था, मेरे यहाँ आता जाता था, पता नहीं है भाई कि नहीं। वो ट्रेन में जाता था अक्सर, टीटी लोग उतर उतर करके पैर छूने लगता, जानता कुछ नहीं था, पता नहीं है भाई कि मर गया, उसकी एक रोग हो गया था। देखो पर्सनालिटी का असर पड़ता है ना बच्चा। मुल्ला नासिरुद्दीन की भी लंबा चौड़ा पर्सनालिटी था, गांव में अपना रुका, गांव के प्रधान के यहाँ जाकर रुका, बड़ा रावभगत हुआ, दूध दही खिजा खूब मिला। मुल्ला जो है आराम से रात में जब सोने चाहा तो लोग पूछे कि महाराज जी आप सिद्ध हैं? बहुत सिद्ध हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो, रात में हम समाधि में रहते हैं। संयोग से उस घर में, प्रधान जी के घर में एक औरत गर्भवती थी, लड़का होने वाला था। प्रधान जी आकर साष्टांग प्रणाम किए कि महाराज जी जरा ध्यान खोल दीजिए, कहा खराटा मार रहे थे मुल्ला। उठे, क्या है भाई हमारा ध्यान तुर दिया, हमारा कुल, हम तो एकदम ऊपर चले गए थे, खुदा से बात कर रहे थे, आवाज़ नहीं सुना हमारा। कहा कि हाँ सरकार सुन रहे थे। कहा बात वार्ता क्यों डिस्टर्ब कर दिया बोलो। कहा कि सरकार हमारी जरी पतोहू को लड़का होने वाला है, बड़ा दर्द हो रहा है, कुछ उपाय कर दीजिए। मुल्ला कहा कि या अल्लाह परवरदिगार, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, अब क्या करूं। कहा कुछ लिख दीजिए, बहुत जोर हुआ। कहा कि चल लाओ लाओ कागज कलम लाओ। कागज कलम लेकर के मुल्ला अपना कहा कि लिख करके कुछ थूक करके मुठ करके ले जाओ, इसको बांध दे, जल्दी बांध, या अल्लाह का नाम लेके जल्दी बांध। मुल्ला भागशाली था, भरम में डाल दिया और बांधने के आधा घंटे के अंदर उसको लड़का हो गया। अब मुल्ला जब सुबह हुआ तो पूरे गांव वाले उसको पूजा करने पहुंचे, गजब मुल्ला जी आपका सिद्धि हुआ, और यहाँ तो लड़के एकदम जन्म हुआ, बड़ा सुंदर, बहुत सारी बर विदाई मिला। चलने लगा मुल्ला तो कहा कि सरकार ये जंतरवा क्या करें। कहा कि यह जंतर तो है तुम्हारे गाँव के लिए वरदान है, जिस जिस को लड़का होने को होगा, बच्चा होने को होगा, बच्चा उसको बांध देना, बच्चा सुरक्षित हो जाएगा तो हमारा दक्षिणा हमारे घर पहुंचा देना। अब मुल्ला की जिस गांव भर में घूमने लगे वह जंतर, अब मान लो कि एक ही बार दो औरतों को लड़का होने वाला है, बच्चा होने वाला है, तो क्या करेगा वो? तो वो डाक बोलने लगा, जो ज़्यादा पैसा देता था डाक उसके यहाँ जाता था, अब मुल्ला के यहाँ अपने आप गाँव में ही डाक बोलने लगा, जाने लगा। एक दिन संयोग से मुल्ला की पत्नी फातिमा गर्भवती थी, वो बड़ी दर्द से बेचैन थी। कहे कि अरे मुल्ला, कहा कि वो जल्दी जंतरवा हमको बांध दे। कहा कौन जंतरवा? कहा कि जो वहाँ से आता है इतना, वो घर खर्चा चलता है। कहा कि वो हम नहीं बांध सकते हैं तुम पर। कहा क्यों? कहा तुम जानती नहीं हो मैं कितना सिद्ध हूँ, तुम तो कम से कम जानती हो फातिमा। कहा कि जंतरवा लेकिन बड़ी कामयाब है मुल्ला। कहा कि नहीं तुम जानती हो, क्या लिखा है? कहा कि देखो वो तो दूसरे का बच्चा ना है, हमने लिखा है करे सरवा, बच्चा होना है तो हो जाओ, मरना है तो मर जाओ। अब मैं थूक करके दे दिया, मैं क्या करूं उसमें? अब बताओ मुल्ला का लड़का होने वाला है, बच्चा होने वाला है, मैं लिख सकता हूं तुम तुम्हारे साथ? तो देखो यह सिद्धि जो है ऐसे ही चलती है बच्चा, भंवर जाल सिद्धि ऐसे ही चलती है। तुम लोग भी इसमें से कुछ सिद्ध लेगा सीख लेगा, तुम लोग काम चल जाएगा। कहे कि यही भी दिखाऊं मानू जो कोई, असमुख तस होए हृदया होई, कहीं कबीर हंस मुस्काई, हमारे कहल दुष्ट बहु हो पाई। कहते हैं कि जो हृदय में सच होता है वही मुख में उतारो, जो मुख में से निकलता है उसी को अपने कर्मों में बदलो, जो भी तुम अपने हृदय में रखता है उसी को मुख पर लाओ, और जो मुख पर आ जाता है उसी को कर्म में बदलो। कबीर साहब कहते हैं यदि यह लक्षण हुआ तब तुम समझो कि वह साधु है, और तुम्हारा इसके उल्टा लक्षण हुआ तो समझो कि तुम बेविचारी है, नेता है। कहते हैं कि यही विदिक मानो कोई, जस मुख तस हृदया होई, कहीं कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। हम तो कह रहे हैं यह जब यह बात तुम्हें आ जाएगी, तीनों एक हो जाएगा, तुम हंस हो जाएगा।
हंस के चारों तरफ मुस्कुराहट होती है, उस हंस को कोई दुख नहीं दे सकता है, काल भी जो है कुम्हलाकर चला जाएगा। तुम कहेगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कहा कि हंस हृदय वाले ही साधु होते हैं। एक राज दरबार में एक राजा कहा कि हम हंस पालेंगे। उसका मंत्री बड़ा चतुर था, कहा कि राजा बड़ा पागल, कहां से हम हंस लाएं यहां काशी में, काशी में कह दिया हंस पालना, कहां से लाएंगे। बहुत सोच विचार कर कहा कि सरकार कल सतयुग के हंस सफेद होते थे, त्रेता के हंस पीला होते थे, द्वापर के हंस भूरा होते हैं, सरकार कलयुग के हंस काले हो गए। अच्छा, और सतयुग के हंस निरछिर पीते थे, सब सुना है निरछिर दूध पानी पीता, कलयुग के हर सरकार हंस जो हैं खीर पूड़ी खाते हैं। राजा कहा ठीक है कोई बात नहीं, खीर पूड़ी दिया जाएगा, हंस पालो। देखता है कुल कौआ खीर पूड़ी लगाया, सारे कौआ आकर रहने लगे हंस वाटिका में, बहुत सारे कौआ काँव काँव करने लगे। राजा घूमने जाते कहते कि यही सब कहाँ सरकार, कलयुग के हंस काले काले हमरे ऐसे होते हैं, नहीं तो यही हंस कल हैं। तो हाँ सरकार, खर्चा होता था राज बजट, देखो चलहा का आदमी तो होता है, बजट बढ़ने लगा, खर्चा का बजट बढ़ेगा ना, अब खीर पूड़ी बनता था। सालों साल चला, एक दिन संयोग से एक हंस कहीं बाहर से, एक हंस उड़ते हुए, हंस और हंसनी जा रहा था, संध्या हो गई तो उसी वाटिका में उतर गया। जब उतर रहा तो वहाँ कौआ देखकर मारने लगे, तू कहाँ से आ गया रे कौआ, भाग यहाँ से। कहा हम कौआ हैं। तो हाँ कौआ भाग, हम लोग हंस आए, हंसों की नगरी में तू कौआ कहाँ से आ गया। उसको मार मार कर लहूलुहान कर रहा था सब। कहा कि रात भर रुकने दो, हम सुबह भाग जाएंगे, हम जा रहे हैं क्षीर सागर, हमारे यहाँ काल पड़ गया। द्वारपाल देखा कि सब बेचारे वो सफेद सफेद हैं बेचारे, ये सब मार रहे हैं, कह रहे हैं कौआ ही है। द्वारपाल जाकर रोका, भाई क्यों मार रहे हो। कहा कि कौआ आकर के हम लोगों का अति खराब करेगा, भगाओ इसको भगाओ भगाओ। कहा कि तुम लोग मार रहे हो तो मार भी नहीं रहा, गाली भी नहीं दे रहा है, रात भर बेचारा रुकेगा। कहा कि नहीं नहीं भगाओ, ये दुष्ट है, हम लोगों को उपद्रव कर देगा, ये कौआ है ना, इस जाति पर विश्वास नहीं करना है कौआ पर। अपना वो बेचारा राजा जो है, वह दरबारपाल जो है अपने अपने कक्ष में कहा कि कोने में है, दोनों रह जाओगे रात भर, तो हाँ रह जाएंगे सरकार। उन लोगों से हमको मत मिलने दीजिए कि तुम अपना सच सच आई कार्ड दिखाओ, का क्या हो, आई कार्ड है ना। कहा कि सरकार हमारे पास आई कार्ड नहीं है। कहा कि देखो हमारे सब हंस लगा है, हंस नंबर एक, हंस नंबर टू, हंस नंबर थ्री, सब में आई कार्ड गर्दन में लगा है। कहा कि हाँ सरकार उन लोगों के पास आए, हमारे पास कुछ कोई आई कार्ड नहीं। तब कैसे हम माने कि तुम हंस है, हंस तो वो हैं, अब तुम कौआ है। कहा कि नहीं सरकार, वे यदि हंस होते तो ठीक ही है, हमको रात भर रहने दीजिए, मैं सुबह निकल जाऊंगा, लेकिन हम हंस ही हैं। तो कहाँ जा रहे हो। तो हम जा रहे हैं क्षीर सागर। तो कहा हाँ यार क्षीर सागर तो सुने, हमारे मंत्री जी कहे हैं कि हंस तो सतयुग में सफ़ेद होते थे, ये तो कलयुग है ना। कहा कि सरकार सतयुग में हंस सफ़ेद होगा, कलयुग में काला हो जाएगा, और सतयुग में साधु साधु रहेगा, और कलयुग में चोर हो जाएगा। ऐसा कहाँ होता है, जो सतयुग में साधु रहेगा वही त्रेता में साधु होगा, वही द्वापर में होगा, वही कलयुग में होगा, जो रावण सतयुग में होगा वही रावण त्रेता में भी ना हुआ सरकार, वही रावण ना सीता जी को ले गया। कहा कि दरवान भी कुछ तेज था, कहा कि बात तो ठीक कह रहा है, तुम रहो रहो, तुम्हारी बात में दम है। सुबह सुबह दौड़ कर गया राजा के यहाँ अपना केवाड़ी बंद करके, तो देखा कि मंत्री बैठे हैं। कहा भाई कैसे आ गया। कहा कि सरकार आपके कान में बात कहेंगे, मंत्री जी सुन लेंगे तब। कहाँ धीरे से कान में कहा कि सरकार हंस आ गए हैं, हंस आ गए हमारे यहाँ नहीं। कहा नहीं सर, आप जा देख लीजिए, बात कर लीजिए, हंस बड़े तर्क दे रहे हैं ऐसे ऐसे कि हर समय जो आदमी रहता है वही रहता है, जो आदमी सतयुग में साधु है तो त्रेता में वही साधु रहेगा, द्वापर में भी साधु रहेगा, कलयुग में भी रहेगा। रावण जो है सतयुग त्रेता हर समय उधुरते रहा है ना, रावण रहा है ना सरकार। कहा कि हाँ यार उसके तर्क में तो दम है, चल चल। राजा उठकर दौड़ कर आया, मिला। कहा कि भाई तुम कैसे माने कि तुम हंस हो और हमारे ये सब कौआ हैं, हंस नहीं है। कहा कि सरकार इसके मानने के लिए आई कार्ड कुछ है तुम्हारे पास। कहा हमारे पास तो कोई आई कार्ड नहीं, लेकिन हमारे पास तो सब हंसों के पास आई कार्ड है। कहा कि सरकार वो बात तो ठीक है, लेकिन अब
हम लोग तो अपने जन्मजात सिद्ध हैं ना, दिखाएंगे जन्मजात हम हैं सरकार। कहा कैसे हम सच करें कि तुम हंस हो ये नहीं है, बता। तो हमारा तो मंत्री कहा है ऐसे ऐसे, कहा कि हम सुने हैं सरकार, लेकिन ये बताइए सतयुग में आदमी को चार आँख होता है, त्रेता में जब आया आदमी आ जाएगा तो दो आँख हो जाएगा, द्वापर में एक आँख हो जाएगा, कलयुग में अंधा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या कि हर जमे आदमी को वही अखिया रहेगा? सतयुग में यह सूर्य रहेगा और कलयुग में यह काला हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। कहा कि तुम्हारे बात में तर्क है लेकिन तुम कुछ अपना प्रूफ नहीं दिखाता है, आई कार्ड नहीं दिखाता है, कहीं कुछ तो प्रूफ दिखा। तो कहा कि हम जो कह रहे हैं वही प्रूफ है सरकार। कहा कि हम कैसे विश्वास करें, हम विश्वास करने के कई उपाय है। आप जानते हैं कि हंस जो है निरक्षर विवेक करता है, मतलब कहा कि एक थाल में आप दूध और पानी डाल दीजिए, हंस जो है दूध निकाल देगा और पानी छोड़ देगा। कहा कि हाँ ये बात तो सुने हैं, ये कलयुग में भी होगा, हम हर युग में होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लाओ भाई, दो चार पाँच किलो आया दूध, दो चार किलो पानी में बर्तन में डाला गया, पानी भी डाला गया, और सब अपने पूर्व के हंसों से कहा कि भाई देखो हंस निरक्षर विवेक करता है, तुम सब लोग जो है इसको दूध को पी जाओ, पानी छोड़ दो, जो कहते हैं हम देखते हैं तुम लोग, नहीं तो दूध को और पानी को अलग अलग कर दो। सब अपना कौवा उड़े चारों ओर, कोई इमली तोड़ कर लेकर डाल दिया, कोई नींबू डाल दिया, फटकर अलग होता है ना, बहुत सा टेक्निक लगाया नहीं हुआ, तो सब मिल करके पानी को दूध को उलट दिया, सब काँव काँव करने लगा। हंस को निकाला गया, कहा कि आप डालिए, लेकिन सरकार हमारे पास हमको चारों ओर से बॉडी गार्ड रखना होगा, नहीं तो बड़ी रात में मारे हैं लोग मार कर हमको, ये लोग काँव काँव करके ठोकर मार कर हमको बेदम कर देंगे। राजा कहा कि भाई बॉडी गार्ड बुलाया, चारों से बॉडी गार्ड चाहिए ना उसको। अब पुलिस कमांडो खड़ी हो गई हंसों इसके पास, और जो ही वो अपना ठोर डाला दूध में तो देखता है राजा आके दूध अलग हो रहा है, पानी अलग हो रहा है, दूध उसके मुंह में जा रहा है, पानी बर्तन में छूट गया। अब राजा पूछा कि अरे भाई ये कौन सा मंत्र जानते हो जिससे कि दूध और पानी हो गया? कहा कोई मंत्र नहीं है, हमारा ठोर ही वह मंत्र है, भगवान के द्वारा बनाया गया है सरकार, हम ठोर ज्यों ही डालेंगे दूध पानी अलग होने लगेगा, और दूध हमारा पी जाना स्वभाव है, पानी जो है कौओं के लिए छोड़ दिया गया। देखो तो इसी तरह से कबीर साहब भी कहते हैं निरक्षर विवेक करता है जो साधु। कहते हैं कि कहें कबीर हंस मुसुकाई हमारे कहल दुष्ट बहु भाई। कहते हैं कि जो रहता है हंस, उस जो है जो कह जो सो जो जो उसके हृदय में रहता है वही उसके मुख में रहेगा, वही उसके कर्म में रहेगा, इसलिए वह दुविधा में नहीं रहेगा, वो सदैव मुस्कुराते रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जो अलग अलग रहेगा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहेगी, दुख में रहेगा। जिन जीव की न आप विश्वासा नरक गए ते ही नरक ही बासा, आवल जात न लागे बारा काल हेरी सौझ सकारा, चौदह विद्या पढ़ी समझावा अपने मरण की खबर न पावा, जाने जीव को परान देशा झूठ आए के कहा संदेशा, संगत छाड़ी करे असरारा उबटे मोट नरक कर भारा। साखी गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष भी विचार, तीन र चौरासी भरमही ज्यो लो चंद्र दिवाकर। कुसंगत प्रकरण में कह रहे हैं जिन जीव किन आप विश्वासन रख गए, जीव जो है समय के सदगुरु पर विश्वास नहीं करता है, उसको छोड़ करके सब पर विश्वास करता है, और ऐसे लोगों पर विश्वास करता है जो शास्त्रों को रट लिया है, कह रहा है विभिन्न प्रकार से, वह जीव जो है उन्हीं के पीछे लग जाता है और गुरु मान लेता है। कबीर साहब कहते हैं कि नरक गए ते हैं नरक ही बासा, वह गुरु घंटाल तो अपने नरक जाता ही है और ये चेला भी
झुंड का झुंड नरक चले जाते हैं। लेकिन कोई लाख मानता नहीं है, वैसे गुरुओं की हैं लाखों लाख लोगों की भीड़ होती है जो लाखों लाख लोगों को एक साथ नरक लेके जा रहे हैं। कहते हैं कि आवत जात काल हेरी सांझ सकारा मारे, कहते कि आने जाने में विलंब नहीं लगता है नरक में। सांझ सकारा, सांझ संध्या, सकारा माने सुबह, सकेरे और सूझ सुबह नरक चले जाते हैं, फिर बार बार जन्म लेते हैं, बार बार वही कमवा करते हैं। इंद्रगोप देखा होगा बरसात में होता है, इंद्रगोप एक हफ्ता के लिए जीता है, छोटे छोटे घोड़े चलते हैं जिसके हम लोग बचपन में कहते थे कि इंद्र का घोड़ा है, वे 7 दिन की उम्र में जीते हैं, 7 दिन में ही जवान होंगे, शादी करेंगे, बच्चा होगा, बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वे भी अफसर बनाएंगे और 7 दिन में चलता बनेंगे। उसी तरह से कहते हैं कि ये जल्दी जल्दी नरक जाते हैं और आते हैं, इनकी संगत का ही प्रभाव है। कुछ कीड़े बरसात में ऐसे होते हैं कि सुबह जन्म लेंगे, 1 घंटे में जवान हो जाएंगे, 2 घंटे में शादी हो जाएगी, 3 घंटे में बच्चे हो जाएंगे और संध्या होते होते उनका भी यहाँ से चलते बनेंगे। तो कहते हैं कि ऐसे संगत गुरुओं के चक्कर में पड़ करके ऐसे पतंग भी सांझ सकेरे नरक जाते आते हैं, ये चेता रहे हैं कबीर साहब। लेकिन हम लोग चेत नहीं रहे हैं। हमारे आश्रम के बगल में कुछ एक नाला है, दिल्ली देखा है दिल्ली, हम एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे तो एक आदमी गाड़ी रोका, तो हमने क्या भाई बात, कहा कि नाले के कीड़े कुछ आपसे जरा बात करना चाहते हैं। हमने कहा नाली से कीड़े बात करेंगे, अच्छा कहो। तो नाली के कीड़ा का जो प्रधान है वो आया सामने, कहा कि महाराज जी जरा बद्रीनाथ से फल फूल हमारे लिए भी प्रसाद लेते आइएगा और कुछ जल ले आकर के हम लोगों में छिड़क दीजिएगा तो हम लोग पवित्र हो जाएंगे। हमने कहा नहीं, गाड़ी पर जगह है, बैठ जाओ, चल तुमको फ्री लेते आए। कहा कि नहीं है, फुर्सत नहीं है, अभी पतोहू को लड़का हुआ है, नाती हुआ है, अभी कुल नाम लिखवाना है, पढ़ाना है, बड़ी झंझट है, वहाँ से थोड़ा जल लाइएगा ना, गंगा का, गंगोत्री का पवित्र जल छिड़क दीजिएगा। हम कहें कि नलिया में छिड़क देंगे गंगा का पानी तो वो नाली का पानी हो जाएगा, गंगा का पानी रहेगा। हम लोग सब लोगों की लगभग उस कीड़े की तरह ही हाल है, सब यही कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है गुरु जी, बहुत परेशान, हमारी यह जिम्मेवारी है, वह जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी कौन दिया पूछो कि जिम्मेवारी दिया कौन, सब जिम्मेवारी हम लोग अपने जबरदस्ती कर लिए। असली जो जिम्मेवारी है परमात्मा का भजन का, भक्ति का, भाव का, वह जिम्मेवारी भूल जाते हैं और जो गए जिम्मेवारी है सब हम अपने ऊपर कपार पर ले लेते हैं और फिर उस कीड़े के नाली कीड़े की तरह दौड़ रहे हैं। जंगल में जैसे बहेलिया शिकार करता है, वह शिकार में देखता नहीं है किसको मारना है, देखता है कि बूढ़ा मृग मारना है कि बच्चा मृग मारना है, उसी तरह से यह काल जो है देखता नहीं, वह काल भी शिकार करता है और जब हम उसे रहते हैं तो किसी को वह सांस सकेरे मार लेता है।